क्या आप अपने बॉस से परेशान हो? हाँ। क्या आप चाहते हो आपका बॉस आपको गालियाँ ना दे, आपकी सैलरी बढ़ा दे? हाँ भाई हाँ। तो बॉस की गाइंड गुलामी करना शुरू कर दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तेरी सेटिंग को ब्याह का औरते हो। हेलो, घर के बाहर निकल। मैं गुल्लू का पापा बोल रहा हूँ, वो नहीं आएगा। अरे अंकल मेरा नाम लो, वो भागते भागते आएगा, तुम बोलो उससे। क्यों, गांड देने वाला है क्या उसे? एक बात कहनी थी। मोए मोए टिंकू, मैंने तुम्हारे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बताओ क्या होगा? मैडम जी छुट्टी के बाद तुम्हारी एक्टिवा पिंचर मिलेगी। दुख इस बात का नहीं कि मैं सिंगल हूँ, दुख इस बात का है कि कोई मानता नहीं। अमीरों की बीमारियां, शुगर, डायबिटीज, डिप्रेशन, कैंसर, हार्ट अटैक, और हम जैसे गरीबों की बीमारियां, दाद, खाज, खुजली, कुल्ले पर बाड़ तोड़। हम रोज सवेरे उठ के प्रार्थना करा थे कि हम कहीं घर बारी सबको मिले। सही में? और हम अकेले गायब हो गए। तैयारों के भंडारे में गया था, अंदर गया था हलवा खत्म, और बाहर आया तो चप्पल गायब। साला सोचा था नवंबर से पढ़ाई शुरू करूंगा और पूरे नवंबर में अपना सेमेस्टर का सारा सिलेबस खत्म ही कर दूंगा, लेकिन त्योहार मनाते मनाते आधा नवंबर तो चले गया। अब आधे नवंबर से पढ़ाई, हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर, अभी कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। भाई तेरी जो क्रश थी ना रिया, उसकी शादी हो रही है। भाई उसकी शादी में मुझे जरूर लेके चलना यार, प्लीज। रहने दो भैया, कुछ नाटक माटक करेगा फालतू में तू वहाँ पे जाके। अबे बहन के लबड़े, कोई नाटक वाटक नहीं करूँगा, उसका बाप अमीर। सोचा था दाढ़ी बढ़ाने से लड़की पट जाएगी, एक लड़की ने अंकल बोलकर ये भ्रम भी तोड़ दिया। हाँ ये स्कूटियाँ चलाती लड़कियाँ थोड़ी मेंटल, पापा की ये परिया ना होती कभी हैंडल, सेल में से लाएगी ये 30 वाली चप्पल है, ब्रेक नहीं लगाती घिस दिए पूरे सैंडल, 5 वाली विमल को फंसा रखा हाथ में, सहेली के साथ बीड़ी फूकती है रात में, सिंगल लोंडो का दिल जब दुखता जब काले काले लोंडे लेके। बेबी आई एम प्रेग्नेंट। क्या बच्चा कहाँ है? पेट में। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप अपने मित्र को किस नाम से बुलाते हैं? पापा। लेकिन ऐसा क्यों? अगर पापा को पापा नहीं बोलेंगे तो किसको पापा बोलेंगे? तो आप मानते हैं कि आपके दोस्त का दर्जा आपके पापा के बराबर है? बेशक, मेरे पापा मुझे घुमाते हैं, बाइक पर गेड़ियां दिलवाते हैं, कैंटीन से फ्री। जिंदगी में आज तक कोई काम ढंग से किया है कि नहीं? अब क्या कर दिया मैंने? कल तुमने गैस सिलेंडर का कनेक्शन किया था, याद है? हाँ तो पता नहीं कैसा कनेक्शन किया, कल से अभी तक 3 बार सब्जी जल चुकी है। दुनिया के सारे सुख एक तरफ और दोस्त की बेइज्जती करने पर मिलने वाला सुख एक तरफ, मतलब भाई दिल गार्डन गार्डन हो जाता है बिल्कुल। तुमने मुझे छत पे क्यों बुलाया? और ये तुम ऐसे कैसे बैठे हो मुर्गीली पर? गिर जाओगे वहाँ से पीछे हो। मैंने सोच ली आज मिंकी कहता तू हाँ बोलेगी, नहीं तो अभी कूद के मरूंगा यहीं पे। बोल प्रिया बोल, आई लव यू। नहीं बोलूंगी। बोलना तो पड़ेगा। तो है भाई, क्या तू भी चाहता है पैसे कमाना? हाँ तो शुरू कर दे गाइंड मराना। ऐसे मत देख बहन के लबड़े, चल तेरी पहली बोनी मैं कर देता हूँ। कोई तो होगी जो दुआ में मांग रही होगी हमें, वरना यूं ही थोड़ी सिंगल है हम। जब से मिले हो खाने में लगे, जैसे मिले टूट पड़े होटल वाले भी। अगर जिंदगी में सुकून चाहता है मेरा भाई,
अपने बेस्ट फ्रेंड की बेइज्जती करते रहे मेरी जान। मेरी जान। सुबह सुबह उठ के जो काम करने में खुशी मिलती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मानता हूँ एक नंबर के चूतिए हैं, गधे हैं, पर जैसे भी हैं, हैं तो मेरे जिगरी यार ही। एक समय था जब फेसबुक नया नया आया था, हम लोग अपने अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ कर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, आजकल ढूंढ ढूंढ कर ब्लॉक करते हैं। तुझे सुबह चीनी लाने को कहा था, लाए नहीं अब लोग? अरे मुझे टाइम ना है, मैं गेम खेल रहा, किसी और तो मंगवा ले। टाइम ना है तुझे? अरे गेम ही खेलूंगी।